हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर निगम भर्ती 2021 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एंड अप्लाई जो आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1136 खाली पदों पर बंपर भर्तियाँ रखी गई हैं, 1136 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है। 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास और 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती रखी गई है, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की जॉब है, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको यहाँ पर जो पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड फ्रेंड, नीचे मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही में जो है आपको पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उनकी भी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं जो हमारी आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्ती है उसकी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले सूरत म्यूनसिपल जॉब से 2021 के बारे में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वैकेंसीज रखी गई हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वैकेंसीज हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो FHW MPHW FHS के पद पर ये वैकेंसीज हैं। टोटल 1100 पद यहाँ पर रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की तो suratmunicipal.gov.in पर जाकर के आप जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी दोस्तों आपकी ये। एंड एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों फीमेल हेल्थ वर्कर FHW के लिए 487 पद रखे गए हैं। वहीं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए MPHW के लिए भी 487 पद रखे गए हैं। बात कर ले पे स्केल के बारे में तो ₹19,900 आपका फर्स्ट 5 ईयर तक आपका जो है ₹19,950 आपको पे स्केल दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा और ₹19,900 से बढ़ाकर ₹63,200 कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में हम बात करें फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 81 पद यहाँ पर रखे गए हैं एंड मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर के लिए भी 81 पद यहाँ पर रखे गए। सैलरी की बात करें तो ₹31,340 आपको फर्स्ट 5 ईयर जो कि फिक्स रहेगी आपकी, शुरू के 5 साल में आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा ₹31,340। एंड इसी के साथ में जो आपकी सैलरी को बढ़ाकर ₹25,500 से ₹81,100 के बीच में कर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए भी 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में जो है हम बात कर लें फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मैं जनरल ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है। वहीं दोस्तों 5 साल की छूट दी जाएगी SC ST कैटेगरी को एंड 3 साल की छूट जाएगी OBC कैटेगरी कैंडिडेट को, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आप करेगा उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन फीस की पूरी इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 13 जनवरी 2021 जो है आपकी क्लोज डेट रखी गई है, मतलब कि आपकी लास्ट डेट रखी गई है। सो इंपॉर्टेंट लिंक्स की अगर बात करें तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट डिटेल का लिंक, मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक व अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्तियां। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जो बताइएगा, साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।